सो गाइस इस सॉन्ग के ऊपर जो कि इंस्टाग्राम रील पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस। तो इस सॉन्ग के ऊपर जो कि अलग अलग क्रिएटर गए अपने हिसाब से वीडियो बना रहे गाइस। तो गाइस मैं कुछ इस तरीका से बना रहा हूँ गाइस, तो आप बना सकते हो गाइस। तो अगर बनाना है गाइस तो आपको सबसे पहले VN एप्लीकेशन चाहिए गाइस, और कुछ डिस्क्रिप्शन पर सारा लिंक आपको मिल जाएगा गाइस। तो कुछ भी दिक्कत या परेशानी होती है गाइस नीचे कमेंट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो गाइस। तो गाइस अब चलते हैं सीधा मोबाइल के स्क्रीन। सो गाइस सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। तो VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे एड वगैरह आएगा इसका, तो इसको अपने ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। तो ये देख लीजिए स्किप हो जाएगा। तो सिंपली आपको प्लस पे टिक कर देना होगा एंड गाइस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस अब है जो आपको जिस भी वीडियो पे मून एड करना होगा उस वीडियो को सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं गाइस जल्दी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एरो पे क्लिक कर देना होगा, ब्लू और एरो पे गाइस। सो गाइस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं गाइस। सो गाइस अब है जो यहाँ पे खुल के आ चुका है, तो इसको वाटरमार्क डिलीट करते हैं गाइस एंड देखिए ऊपर में ओरिजिनल के ऑप्शन पे 916 आपको रख लेना होगा। सो गाइस ये वीडियो मेरा स्लो मोशन पहले से गाइस, तो देख लीजिए ये स्लो मोशन गाइस। आप दो एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक है कैपकट और दूसरा है VSCO, तो दोनों में से आप कोई सब यूज कर सकते हो गाइस। तो मैं यहाँ पे स्लो मोशन करके इंपोर्ट कर दिया हूँ। तो गाइस अभी जो मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है गाइस। अगर गाइस आप इसी में स्लो मोशन करना चाहते हो तो इसी में स्पीड पर जाना होगा एंड गाइस आपको रेगुलर पे आपको स्लो करना है तो इधर लेफ्ट तरफ जाइएगा और स्पीड करना गाइस आपको राइट तरफ जाए। तो मैं गाइस पहले स्लो मोशन है तो उसको मैं थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ वीडियो पे। तो गाइस ये रहा एंड इसको जो गाइस मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये हो गया फास्ट, थोड़ा फास्ट किए गाइस क्योंकि ये स्लो मोशन मैं पहले से था। सो गाइस अब जो मैं जो भी पार्ट को यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ गाइस रख लेता हूँ। ये रहा इतना पार्ट, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ गाइस। सो यहाँ पे गाइस ये रहा, तो इतना पार्ट हम लोग रख रहे हैं गाइस एंड इसको हम लोग कट करके डिलीट कर देते हैं। सो गाइस अब ये हो चुका है। सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे अब यहाँ पे मून PNG ऐड करना है। सिंपली आपको टैप टू ऐड स्टिकर पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा एंड वीडियो पे एंड फोटो पे चलते गाइस एंड आपको यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस मून PNG को ऐड करने के बाद आपको गाइस थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लेना होगा गाइस, तो कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना होगा एंड यहाँ पे दिखा देते गाइस तो और मैं कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीका से रहेगा गाइस एंड इसको है जो हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते गाइस वीडियो के हिसाब से एंड इसको ऊपर वाले मून वाले पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको इधर गाइस राइट की ओर आना होगा एंड दिखेगा गाइस मार्क्स पे आपको यहाँ पे एक ये रहा मार्क्स पे डबल लीनियर पे डबल टैप कर देना होगा ये रहा। सो गाइस अभी जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आना होगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से देखा गाइस आपको खींच लेना होगा इस तरीके से हल्का सा गाइस। तो गाइस मैं इस तरीके से खींच लेता हूँ एंड आपको टिक वाले पे क्लिक करता हूँ गाइस। सो गाइस अब ये हो चुका है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे कलर एडजस्ट करना है तो गाइस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कलर एडजस्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा गाइस। तो मून पे जाना होगा एंड आपको गाइस यहाँ पे फिल्टर पे जाना होगा एंड आपको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो गाइस कुछ इस तरीका से रहेगा ये रहा गाइस एंड। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ किस तरीका से मैं रखने वाला हूँ। तो गैस आप कर लीजिएगा थोड़ा अपने हिसाब से एंड गैस अभी जो आपको इसको नीचे वाले लेयर को डुप्लीकेट करना होगा एंड आपको गैस इसको इधर राइट की ओर भाग आना होगा एंड आपको फॉरवर्ड मतलब ऊपर चला जाएगा वीडियो, और वीडियो को आपको गैस ऊपर ही रखना होगा। तो देख लीजिए इस तरीका से आ चुका है एंड आपको गैस क्या करना, आपको इधर थोड़ा इधर राइट की ओर आना होगा एंड आपको दिखेगा गैस यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सो गैस अब ये फिल के ऑप्शन पे आ चुका है, तो आपको क्या करना होगा एंड आपको इसको क्रोमा की कर लेना होगा। तो इधर हम लोग क्रोमा की करते गैस, तो ऊपर ही वाला इस आपको रखना होगा एंड आपको क्रोमा पे चलते गाइस एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते गाइस एंड सो गाइस नीचे वाले यहाँ पे इस ई वाले को कम कर देना होगा एकदम, और इसको थोड़ा हम लोग बढ़ा देते गाइस। तो ये रहा इस तरीके से, और मैं इधर चलता हूँ गाइस। ये रहा सो गाइस अब ये हो चुका अच्छे से गाइस, एंटीक वाले पे क्लिक करते हैं और गाइस अब ये हो चुका है। तो और इसका है जो इसका पार्ट हम लोग इस पार्ट को डिलीट कर दे रहे हैं गाइस एंड अगर गाइस आपको और भी थोड़ा ब्लैक डार्क करना है बॉडी पे, थोड़ा और आपको फिल्टर पे जाना होगा एंड आपको अप्लाई कर देना होगा इस। तो यहाँ पे बॉडी को थोड़ा मैं डार्क रखता हूँ गाइस। सो गाइस अब ये हो चुका है, एंटीक वाले पे ऑप्शन पे चलते हैं एंड ये कंप्लीट हो चुका गाइस। तो गाइस अभी जो आपको इसको क्या करिएगा, इसको एरो पे क्लिक कर दे, इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा सबसे पहले एंटीक वाले पे चलते गाइस। सो गाइस एक्सपोर्ट ये अब हो रहा गाइस, तो वीडियो पर बने रहो और भी आगे है गाइस। तो अब यहाँ पे 100% होने देते गाइस सबसे पहले, तो अब वीडियो को नए तो चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। तो आप होने देते गाइस।
सो गाइस अब ये हम लोग यहाँ सेव टू एल्बम पे क्लिक करते हैं, अब ये सब सेव हो चुका है गाइस। सो गाइस आपको फिर से आपको प्लस पे टिक करके न्यू प्रोजेक्ट लेते गाइस, एंड आपको फिर से आपको वीडियो लेना होगा वही वीडियो, वो भी नॉर्मल पे। तो गाइस मैं यहाँ पे वही वीडियो नॉर्मल पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये रहा, इस पर जाते गाइस एंड ये रहा वीडियो, एंड इस वीडियो को गाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, तो अब यहाँ आ चुका है एंड इसको कैंसिल कर देते हैं। सो गाइस अब ये इतना सा हो चुका है। सो गाइस अभी जो यहाँ पे प्लस, आपको यहाँ म्यूज़िक पे जाना होगा एंड म्यूज़िक पे चलते गाइस, म्यूज़िक पे जाने का प्लस पे टिक कर देना होगा एंड एक्सेप्ट फ्रॉम वीडियो पे चलते गाइस एंड इसको ओके कर दे। सो गाइस अब जो आपको यहाँ वीडियो से ऑडियो निकालना होगा गाइस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो से ऑडियो, वीडियो का सॉन्ग, तो आपको उसको डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको चॉइस पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे थोड़ा स्लो काम कर रहा है गाइस, तो एंड इसको टिक पे क्लिक कर देता हूँ एंड आपको गाइस थोड़ा इस तरह का जूम कर देता हूँ, ये काफ़ी छोटा हो गया। सो यहाँ पे ये रहा, सो कुछ इस तरीका से रहेगा गाइस। तो ये अभी इतना सा हो गया, तो ये मेरा वीडियो गाइस स्लो था तो उसको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इतना सा मैं रख लेता गाइस। एंड गाइस अभी जो गाइस क्या कह रहे हैं आप सोच रहे हो कि ये बीट कहाँ से आ गया, तो आपको गाइस आपको वहाँ पे सारा वीडियो का आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा, तो उसको आपको स्क्रीन शॉट लेके आपको यहाँ पे कट कर देना होगा गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो के हिसाब से मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ गाइस बीट के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पर ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा गाइस, तो सारे वीडियो का ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा, तो उसको देख के आपको यहाँ पे कट लगा लेना होगा। सो इसको भी हम लोग यहाँ पे कट लगा देते हैं गाइस एंड इसको भी। सो गाइस ये वाला यहाँ पे आवाज़ को सुनिएगा गाइस, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इस जगह पे हम लोग चेंज करेंगे गाइस बैकग्राउंड। सो यहाँ पे हम लोग कट लगाएंगे एक, और इसको है जो गाइस पूरा हम लोग पूरा कट लगा देंगे एंड इसका वाटर मार्क भी हम लोग लिख देते हैं। सो गाइस अभी जो प्लस पे टिक करके एंड वीडियो में फोटो चलते हैं एंड गाइस अभी जो हम लोग मून वाले वीडियो हम लोग बनाए थे गाइस उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा गाइस, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ गाइस। सो गाइस ये काम ही नहीं कर रहा है, और रुको थोड़ा, ये अभी हो चुका है एंड यहाँ पे गाइस प्रोसेसिंग लेगा। सो गाइस अब यहाँ आ चुका गाइस, तो यहाँ आ चुका है, तो इसको यहाँ पे जहाँ जहाँ बीट लगाए हम वहाँ पे कट लगा देते हैं गाइस, ताकि हमारा यहाँ पे एफएक्स अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे तो गाइस आप टेंशन की बात मत लें, तो आपको वहाँ पे सारा ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा। सो अब यहाँ तक हो चुका है एंड इसको है जो यहाँ पे गाइस सॉन्ग के हिसाब से हम लोग कट कर देते हैं। सो गाइस अब ये हो चुका है, तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, आपको गाइस फर्स्ट वाले वीडियो पे आना होगा एंड आपको यहाँ पे एक एफएक्स दिखेगा, तो इसको एफएक्स गाइस हम लोग ये वाले एफएक्स में गाइस रख लेता हूँ एंड इसको फिल कर देता हूँ गाइस एंड इस तरीके से। और अभी जो गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस इस वीडियो पे आना होगा। सो वीडियो को आने के बाद गाइस आपको इधर राइट की ओर आना होगा एंड इसको गाइस जूम पे क्लिक कर देना होगा। अभी जो गाइस आपको जूम इन जूम आउट आपको अप्लाई कर दे, तो जूम इन मैं पहले करता हूँ, ये अप्लाई हो गया एंड इसको जूम आउट ये हो चुका है, फिर इसको जूम इन, फिर इसको मैं जूम आउट, तो इस तरीके से गाइस आप कर लीजिएगा जूम इन जूम आउट आप सारे वीडियो पे। सो गाइस अभी जो सारे वीडियो पे जूम इन जूम आउट आप लग चुका है गाइस, तो गाइस अब ये फर्स्ट वाले पे एफएक्स हम लगाए थे, अब सेकेंड वाले पे आते गाइस एंड इसको जो अब हम लोग एफएक्स रखने वाले गाइस, तो यहाँ एफएक्स पे क्लिक कर देना होगा एंड गाइस आपको यहाँ पे एक बार यहाँ पे सबसे पहले गाइस एक यहाँ पे एक हम लोग वाइट रखते हैं एंड पूरा कम कर देना होगा इसका ड्यूरेशन, फिर एक बार हम लोग गाइस एक ब्लैक रखते हैं, ब्लैक एंड वाइट हम लोग रख लेते हैं इस तरीके से एंड इस यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट, इसको भी यहाँ पे ब्लैक, अब ये हो चुका गाइस। तो अब जहाँ भी यहाँ से चेंज हो रहा है गाइस पी एन यहाँ पे मून वाला, अब वो जो आपको एफएक्स पे क्लिक कर देना होगा एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक एफएक्स दिखेगा इस जिल्टर पे क्लिक कर देना होगा गाइस एंड आपको 0.50 सेकंड आपको रख लेना होगा, ये हो चुका है, तो फिर से आप लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं एंड आपको यहाँ भी आपको जिल्टर आपको रख लेना होगा 0., वही हो रहेगा गाइस 0., इसको थोड़ा 0.50। सो गाइस इतना आपको रख लेना एंड लास्ट वाला पे चलते हैं एंड इसको भी हम लोग वही रख लेते हैं गाइस। सो ये रहा गाइस, रुको भाई थोड़ा, अब ये हो चुका है, तो एंटिक वाले पे क्लिक करते हैं, अब पूरा हो गया गाइस, ये लास्ट वाला बचा एंड इसको भी हम लोग अप्लाई कर ही देते हैं गाइस। सो ये रहा, आपको सिर्फ जिल्टर में अप्लाई करना होगा, जिल्टर लेफ्ट में नहीं गाइस, तो जिल्टर में सारा आपको अप्लाई कर देना होगा।
अब यहाँ हो चुका गाइस। सो गाइस अब ये कंप्लीट हो चुका गाइस। तो आपको अभी सो गाइस यहाँ पे एक लास्ट वाला यहाँ पे बचा गाइस, इसको जो हम लोग एंड टिक वाले पे लगा देते हैं गाइस। सो गाइस अब ये कंप्लीट हो चुका है, सिंपली आपको एरो पे क्लिक कर देना होगा, एंड टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस अब ये एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस, एंड कुछ भी दिक्कत या परेशानी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हम कर सकते हो गाइस फॉलो वगैरह। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।